गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज हितेश कुकरेजा फ्रॉम गुरुकुल फॉर्चुनस इंदौर। सबसे पहले तो बताना चाहता हूँ ये वीडियो हम जो बना रहे हैं वो किसके लिए है। तो हम फोकस कर रहे हैं सीए की एग्जाम के ऊपर, खासकर जो सीए का पैटर्न हो गया सीए फाउंडेशन। एंड लेट मी टेल यू ऑल माय फ्रेंड्स, इस पूरे वीडियो की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। इसके एंड में कुछ ट्रिक्स देके रखी हैं, सबसे लास्ट पार्ट हमारा ट्रिक्स का है। सो आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू कि लास्ट की ट्रिक्स और लास्ट की जो मोटिवेशन वाली बातें हैं, जो पेपर अटेम्प्ट करने वाली बातें हैं, वो आप बिल्कुल ना छोड़ें। लास्ट वाला पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा। टुडे हम स्टार्ट कर रहे हैं कोरिलेशन के साथ। सर, सबसे पहले कोरिलेशन का मतलब क्या होता है, इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस का है, और ये टॉपिक्स कहां कहां यूज हो सकता है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये टॉपिक कहां कहां यूज हो सकता है हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो विल स्टार्ट विद कोरिलेशन, लेकिन सबसे पहले देखिए कि कोरिलेशन का हम लोग क्या क्या कवर अप करने वाले हैं। सबसे पहले कोरिलेशन का मीनिंग क्या होता है पहले हम वो देखने वाले हैं। देन कौन सा मेथड होते हैं, तो उसके चार मेथड होते हैं। फर्स्ट, कोरिलेशन को निकालने का मेथड होता है ग्राफिकल मेथड। द सेकंड मेथड गिवन बाय कार्ल पियर्सन। कार्ल पियर्सन एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने कोरिलेशन निकालने का एक अलग फॉर्मूला दिया है, हम उसको स्टडी करने वाले हैं। हम थर्ड पे स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन स्टडी करने वाले हैं। फोर्थ पे हम प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन स्टडी करने वाले हैं। फिफ्थ पे हम कोरिलेशन की प्रॉपर्टीज स्टडी करने वाले हैं, जो कि वेरी 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 आईएमपी होती है। अगर मैं सीए वाले बच्चों से बात कर रहा हूं या मैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वाले बच्चों से बात कर रहा हूं, तो कोरिलेशन की प्रॉपर्टीज वेरी वेरी आईएमपी होती हैं। एंड देन द बेस्ट पार्ट, जिसके लिए आप पूरा वीडियो लेक्चर देखेंगे, दैट इज ट्रिक्स। हम बहुत सारी ट्रिक्स बताएंगे। पहले हम उस पूरे टॉपिक को डिटेल में पढ़ेंगे, सिस्टमेटिक पढ़ेंगे, ट्रेडिशनल अप्रोच से पढ़ेंगे। देन हाउ टू गेट अ आंसर विद इन 10 seconds, वो ट्रिक के ऊपर हम बात करेंगे मेरे दोस्तों। तो हम आखिरी में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट लेने वाले हैं ट्रिक्स। सो आई वुड रिक्वेस्ट ईच एंड एवरीवन कि पूरे चैप्टर के साथ आप मेरे साथ में बने रहें। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा ट्रिक्स। देन नाउ, क्यों कोरिलेशन, हम कोरिलेशन का आज का ये लेक्चर क्यों देखें या क्यों समझें। सर, कोरिलेशन पहले बात तो कहां कहां कोरिलेशन की एप्लीकेशंस होती हैं। तो सबसे पहले तो मैं जिसके लिए मेन वीडियो बनाता हूं, तो वो है सीए फाउंडेशन। सीए सीपीटी के लिए भी काम का है, सीए फाउंडेशन के लिए भी काम का है। तो अगर मैं बात करूं आपसे, तो सबसे इंपॉर्टेंट है कोरिलेशन। एंड रिग्रेशन इज अ टॉपिक विच कवर्स एटलीस्ट 4 to 5 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैथ्स इन सीए फाउंडेशन। अगेन सीएस में भी इसका थोड़ा बहुत यूज आता है। एमबीए एग्जाम्स के पेपर के अंदर, एमबीए के फर्स्ट पेपर के अंदर आपको स्टैट्स नाम का सब्जेक्ट होता है। स्टैट्स के अंदर कम से कम 10 to 15 मार्क का वेटेज होता है आपका कोरिलेशन का। इफ आई विल टॉक अबाउट 11th क्लास में, सब बच्चों को पता है, सीबीएसई अगर बात करें 11th सीबीएसई में, तो सीबीएसई में भी स्टैट्स होता है, वहां पे भी कोरिलेशन का अप्रॉक्स वेटेज 10 से 12 मार्क का होता है। कभी भी आपको शेयर्स का एनालिसिस सीखना है, तो अगर आप शेयर्स का एनालिसिस करने किसी भी कंपनी में जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, फर्स्ट ही वांट टू हैव अ प्रॉपर नॉलेज ऑफ कोरिलेशन। अगर अपन बात करें, अगर आप पीएचडी प्रोग्राम कर रहे हैं, अगर आपको अपने नाम के आगे डॉक्टर चाहिए, तो मैं आपको बता दूं पीएचडी के कोर्स वर्क के अंदर भी, पीएचडी के कोर्स वर्क के अंदर भी कोरिलेशन का यूज होता है। फाइनेंशियल मॉडलिंग कर रहे हैं, अगर आप फाइनेंशियल मॉडलिंग कर रहे हैं, अगर आपको यह देखना है कब किस चीज के भाव बढ़ेंगे, कब चीज के भाव कम होंगे, तो दिस ऑल बेस्ड ऑन कोरिलेशन। कोरिलेशन एक कॉमन धागा है दोस्तों, जो ये सारे सब्जेक्ट्स को कवर अप करता है। जो बच्चे बीबीए कर रहे हैं या जो बच्चे एमबीए कर रहे हैं, उन बच्चों को पता है कि बीबीए के थर्ड सेम में अगेन हमारे पास स्टैट्स नाम का सब्जेक्ट होता है, और वहां पे हमारा कोरिलेशन का वेटेज अप्रॉक्स 15 से 20 मार्क का होता है। तो अगर मैं बात बताऊं इस टॉपिक पे, एक बार सिस्टमेटिक अच्छे से अगर पूरी तरीके से महारत हासिल कर ली जाए, तो हमारी बहुत सारी चीजें इसमें हो सकती हैं। सो आई एम स्टार्टिंग आउट विद द मीनिंग ऑफ कोरिलेशन। दोस्तों आई होप आपको ये सब चीज समझ में आई होंगी। तो कोरिलेशन का बेसिक मीनिंग क्या होता है, सो वी आर स्टार्टिंग आउट विद दिस को रिलेशन। अगर मैं तोड़ के बोलूं तो बेटा ये होता है को रिलेशन, किसी दो चीजों में क्या कोरिलेशन है। लेट्स से मैं आपसे बात करता हूं प्राइस, किसी भी चीज की प्राइस और उस चीज की डिमांड में क्या कोरिलेशन है। अगर मैं आपको बताऊं, जब भी किसी चीज की प्राइस बढ़ती है तो उस चीज की डिमांड क्या हो जाती है, कम। किसी भी चीज की प्राइस अगर दोस्तों बढ़ती है, तो उसी चीज की डिमांड, जिसको हम एक्स डिमांड करते हैं, वो क्या हो जाती है, कम। और किसी भी चीज की प्राइस अगर कम होती है, तो उसकी डिमांड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो इनके बीच में आपस में आई कैन कॉल देयर इज अ नेगेटिव कोरिलेशन।
इनके बीच में आपस में क्या है बेटा, नेगेटिव कोरिलेशन। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे तुम्हारे लिए प्राइस रख दूँ और यहाँ पे मैं तुम्हारे लिए क्वांटिटी डिमांडेड रख दूँ, तो जब प्राइस ज़्यादा थी, जब कोई चीज़ अगर मैं बोलूँ, मान लो कि ये पेन जब 50 रुपये का था तब मुझे इस पेन को एक ही खरीदने की इच्छा होती थी, और जब ये पेन अगर मैं तुमको बोलूँ 40 रुपीज़ का हो गया तो मेरी 3 खरीदने की इच्छा होती है। जिस दिन ये 20 रुपीज़ का हो जाएगा शायद मैं इसको 7 पेन खरीदूँ। तो सर ये कौन सा कोरिलेशन है? दिस इज अ नेगेटिव कोरिलेशन, दिस इज अ डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व। और अगर ऐसा पूरा कर्व बना पा रहे हो, ऐसी पूरी लाइन बना पा रहे हो, तो दिस इज अ परफेक्टली नेगेटिव कोरिलेशन, परफेक्टली नेगेटिव कोरिलेशन। सर थोड़े से और एग्जांपल दो। तो अगर अपन बेटा मीनिंग के बारे में बात करें तो हम चीजों को एक एक करके लेते जाएंगे, हम ढंग से कोरिलेशन का मीनिंग और डेप्थ में पढ़ते हैं। व्हाट इज द कोरिलेशन बिटवीन इनकम एंड डिमांड? अगर अपन बात करें कि इनकम और डिमांड में क्या कोरिलेशन है, तो बेटा जब भी किसी इंसान की इनकम को हम इकोनॉमिक्स में डिनोट करते हैं वाई से, जब भी किसी की इनकम बढ़ती है तो उस चीज उसकी डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। बट ऑब्वियसली बात है बेटा, अगर मैं ज़्यादा कमाऊंगा, मेरे पास पैसे ज़्यादा आएंगे, तो मैं एक शर्ट की जगह 2 शर्ट खरीदूंगा, मैं एक कैफे की जगह 4 कैफे जाऊंगा, मैं 4 कॉफ़ी की जगह 8 कॉफ़ी पीऊंगा। तो सीधी बात है बेटा, जब जब आपकी इनकम बढ़ती है आपकी डिमांड भी क्या होती है, बढ़ती है, और जब आपकी इनकम कम होती है तो आपकी डिमांड भी क्या हो जाती है बेटा, कम। अब अगर ऐसे में अगर अपने को कोई कर्व बनाना हो जिसमें अगर अपन बात करें कि यहाँ पे आपकी इनकम होती है और यहाँ पे आपकी डिमांड होती है, डिमांड को बोले डिमांड या क्वांटिटी डिमांडेड, तो यहाँ पे पॉजिटिव कोरिलेशन बनेगा। सर पॉजिटिव कोरिलेशन का मतलब आप समझाओ थोड़ा सा। तो बेटा एक बात ध्यान रख, जब मेरी इनकम हो सकता है, जब मेरी इनकम 10,000 रुपये थी तब मैं एक मोबाइल फ़ोन अफोर्ड कर पाता था, मैं एक ही मोबाइल फ़ोन होता सस्ता। जैसे मेरी इनकम अगर बोलूं आज मेरी इनकम अगर 20,000 हो गई है तो शायद मैं 2 मोबाइल फ़ोन भी अफोर्ड करूं या महंगा मोबाइल फ़ोन अफोर्ड करूं। जिस दिन बेटा मेरी इनकम अगर बोलूं 40,000 रुपये हो जाएगी तो दिस रितेश सुग्रेजा माइट बी हैविंग 4 मोबाइल फ़ोन एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। तो जैसे जैसे मेरी इनकम बढ़ती जाएगी वैसे वैसे मेरी डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज बढ़ती जाएंगी। आई होप आपको समझ में आया होगा कि पॉजिटिव कोरिलेशन क्या होता है, नेगेटिव कोरिलेशन क्या होता है। बेटा ध्यान से देख, नेगेटिव कोरिलेशन गिरता हुआ है, गिर रहा है ग्राफ, तो ये यहाँ से ऊपर से नीचे आ रहा है, तो ये होता है नेगेटिव। ये देख पॉजिटिव मतलब बढ़ता हुआ ग्राफ है, तो इसको बोलते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन। अब सर और कोई कोरिलेशन भी होता है क्या? हाँ बेटा और कोरिलेशन भी होता है। अगर मैं तो कोई एक और सिंपल सा एग्जांपल समझाऊं, अगर बहुत सिंपल सा वन मोर एग्जांपल वी विल टेक, सो मुझे बताओ शूज़ की प्राइस में, शूज़ की प्राइस में और मिल्क के भाव में, शूज़ की प्राइस में और मिल्क की भाव में या मिल्क की डिमांड में, अगर शूज़ की प्राइस और मिल्क की डिमांड में क्या कोरिलेशन है बताओ? जूतों के भाव से दूध की डिमांड को क्या फर्क पड़ता है? जूतों के भाव से दूध की डिमांड को क्या फर्क पड़ता है? तो अगर मैं बात करूं तो यहां पे आपका जो ग्राफ बनेगा वो कुछ नहीं बनेगा, क्योंकि यहां पे अगर तुम लिखोगे शूज प्राइस और अगर यहां पे तुम लिखोगे मिल्क की डिमांड, तो मेरे प्रिय दोस्तों शूज और मिल्क का आपस में कोई कोरिलेशन ही नहीं है, कोई संबंध ही नहीं है, क्योंकि जूतों और दूध का दूर दूर तक कोई को रिलेशन नहीं है। तो क्या 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 इसका कोई ग्राफ बन पाएगा? इसका ग्राफ है डॉट्स बनेंगे, बस डॉट्स, जिसका पता ही नहीं है कि इतना दूध के भाव है तो इतना, इतने दूध के भाव है तो इतने शूज की प्राइस है, इतनी शूज की प्राइस है इतने दूध के भाव है, तो देयर इज नो कोरिलेशन। तो जब भी ग्राफ के अंदर बेटा ऐसे गोले गोले बन जाए तो उसको हम बोलते हैं नो कोरिलेशन, बिकॉज यहाँ पे ग्राफ कुछ भी शो नहीं कर रहा। क्या मैं बोल सकता हूँ, शायद आप अगर जाने तो क्या पापा की एज और मम्मा की एज, या एज ऑफ वाइफ और एज ऑफ हस्बैंड में क्या कोरिलेशन होना चाहिए? तो अगर आज के हिसाब से देखा जाए तो मैं मान सकता हूँ जिन लोगों की बीवियाँ बहुत लंबा जीती हैं उनके पति पहले ही निपट जाते हैं, तो उनके बीच में क्या होता है, नेगेटिव कोरिलेशन। जिनकी वाइफ ज़्यादा जिएगी वो पति पहले ही खत्म होना चाहेगा, तो वहाँ पर क्या होता है, नेगेटिव कोरिलेशन। खैर जोक्स अपार्ट, सो वी विल बी मूविंग ऑन टू प्रैक्टिकल पार्ट ऑफ कोरिलेशन बाय द कार्ल पियर्सन। बट बेटा उसके पहले एक बात सारे ग्राफ्स पर समझाना जरूरी है। अगर कोई भी ग्राफ बेटा बहुत आम समझना, अगर ऐसे डॉटेड लाइंस बन रही हैं, मतलब एग्जैक्टली नहीं मालूम पड़ रहा, हाँ लेकिन ऐसा एक शेप समझ में आ रहा है कि ग्राफ गिरता हुआ है, तो बेटा ऐसे वाले ग्राफ को आप बोल सकते हो नेगेटिव कोरिलेशन। आप इसको बोल सकते हो नेगेटिव कोरिलेशन। वही की हुई बेटा अगर ये ऐसी कुछ स्ट्रेट लाइन बन जा रही है, सिस्टमेटिक लाइन बन जा रही है, तो इसको आप बोल सकते हो
परफेक्टली नेगेटिव कोरिलेशन, परफेक्टली नेगेटिव कोरिलेशन। बेटा अगर डॉटेड लाइन बन रही है ऐसे ऊपर उठती हुई, ऐसे ऐसे उठती हुई लाइन बन रही है, तो आप इसको बोल सकते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन। लेकिन अगर वो लाइन स्ट्रेट बन रही है, बिल्कुल ऐसी सिस्टमेटिक बन रही है जैसे अपन ने इनकम और डिमांड में पढ़ी थी, तो अपन उसको बोल सकते हैं परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेशन। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। जब कभी कभी ग्राफ ऐसा बन जाए डॉटेड लाइंस, कुछ समझ में नहीं आ रहा कहां चीजें ऊपर जा रही कहां चीजें नीचे जा रही है, तो बेटा इसको बोलते हैं नो कोरिलेशन। मैं एक कोरिलेशन ग्राफ आपको बताना चाहूंगा बेटा, जब ग्राफ कभी कभी ऐसा बनता है, अगर मैं आपको बताऊं ऐसा ग्राफ क्लियर करूं मैं आप लोगों को, अगर अपन जब ग्राफ ऐसे 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 उठ के थोड़ा सा ऐसा बैल शेप जाता है, अगर अपन बात करें कि ऐसा बैल शेप जा रहा है, तो अपन इसको बोलेंगे कर्वी लीनियर कोरिलेशन। बेटा यहाँ पे मैं थोड़ा समझाना चाहूँगा, क्या एग्जाम में इस वाले बात पे क्वेश्चन आते हैं बेटा, तो लेट मी टॉक टू द सीए स्टूडेंट फर्स्ट। बेटा सीए सीपीटी चाहे सीए फाउंडेशन दोनों ऑब्जेक्टिव हैं, तो क्लियर पूछते हैं कि इनकम और डिमांड में, इनकम और डिमांड में कौन सा कोरिलेशन होता है, ग्राफ कैसा होगा, अपवर्ड स्लोपिंग होगा कि डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा। तो बेटा देखो बहुत सारे क्वेश्चन बहुत क्लियर होने चाहिए कि इनकम और डिमांड में पॉजिटिव कोरिलेशन होता है, प्राइस और डिमांड में नेगेटिव कोरिलेशन होता है, शूज के भाव में और मिल्क की प्राइस में नो कोरिलेशन होता है। ये भी समझने वाली बात है। सर ये तो आपने एग्जांपल दिए, कभी भी हम कैसे पहचाने कि कौन सी चीज पॉजिटिव कोरिलेशन है और कौन सी चीज नेगेटिव। बेटा जब एक चीज के बढ़ने से अगर दूसरी चीज भी बढ़ रही है और एक चीज के गिरने से अगर दूसरी चीज भी गिर रही है, तो बेटा वो पॉजिटिव कोरिलेशन है। एक बढ़े और दूसरा गिरे, और एक गिरे तो दूसरा उठे, तो बेटा वहां पे नेगेटिव कोरिलेशन है। सर परफेक्टली नेगेटिव है कि परफेक्टली पॉजिटिव है, कि इस पे क्वेश्चन आते हैं। बेटा एक बात समझ लो, वो हम आने वाले लेक्चर में देखेंगे, हमेशा कोरिलेशन माइनस वन से वन के बीच में होता है। तो अगर मैं तुमको बताऊं अगर ऐसा कोरिलेशन गिर रहा है परफेक्टली नेगेटिव, तो इसको बोलेंगे माइनस वन, और अगर ऐसा बढ़ रहा है तो उसको बोलेंगे प्लस वन। जब कुछ कोरिलेशन नहीं होता तो हम उसको बोलते हैं जीरो। प्लीज एक बात और समझा दूं, कोरिलेशन को डिनोट करते हैं आर से, तो आर ऑलवेज कम्स बिटवीन माइनस वन टू वन। आई होप यहां तक का समझ में आ गया होगा। वी आर अच्छा, मैं थोड़ा सा अगर मैं एमबीए वालों से बात करूं, तो एमबीए वालों को डिटेल एक थ्योरी क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोरिलेशन विद देयर ग्राफ्स चार्ट्स एंड शेड्यूल। तो एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोरिलेशन, तो जब आप टाइप्स बताते हो चार्ट्स बताते हो, तो इट विल फेच यू 10 मार्क्स। अगर मैं पीएचडी वालों से बात करूं, तो आपको सिस्टमैटिक काल पीरियड का क्वेश्चन आता है, थ्योरी क्वेश्चन आता है, तो वहां पे भी मार्क्स का है। 11th वालों को सिस्टमैटिक कोर्स में ही है कि आपको कोरिलेशन की इंपॉर्टेंस, प्रॉपर्टीज और ग्राफ समझाने ही पड़ते हैं। बहुत बेसिक क्वेश्चन आता है इस पे, थ्योरेटिकल क्वेश्चन होता है ये, एक्सप्लेनेटरी क्वेश्चन होता है ये, तो आपको वो चीज थोड़ी सी ध्यान रखनी पड़ेगी बेटा। अगर आप इसको ढंग से समझा पा रहे हो विद दैट डेफिनेशन, यू विल Definitely patch marks, that my point of view, I hope आपको सब चीज समझ में आ गया। Friends, ये तो correlation की theory वाला part था, main part होता है practicals, correlation के practical को easy नहीं होते, is one of the most tough practical, बड़े बड़े formula होते हैं, लेकिन बड़े बड़े formula की भी छोटी छोटी tricks होती हैं। हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम उन सारी ट्रिक्स के बारे में कोरिलेशन का सिस्टमेटिक फुल क्वेश्चन करेंगे हम लोग, जिसमें आपको एक्स होगा, वाई होगा, डीएक्स होगा, डीवाई होगा। स्टे ट्यून्ड फॉर दैट लेक्चर दोस्तों, एंड थैंक यू वेरी मच। आपको सारा वीडियो समझ में आया होगा, मैं आपके दिल तक पहुंच पाया हूंगा, बहुत सारे कंसेप्ट पढ़े थे। इट्स बीइंग नाइस एंड अ गुड टाइम विद ऑल ऑफ यू। मेरे को आपके दिल तक पहुंचना है, दिमाग तक कोई भी पहुंच सकता है। आई वॉन्ट, अगर आप कोई भी चीज इस वीडियो में, कोई भी चीज अच्छी लगी या कोई चीज बुरी लगी या किसी प्रकार से आप मेरे से कुछ हेल्प चाहते हैं, सो आई वुड बी वेरी ग्रेटफुल कि अगर आपका मैं कोई डाउट सॉल्व करने में समर्थ हो पाता हूं। आप मेरा फोन नंबर है आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, आप उसमें मुझे कॉल कर सकते हैं। आई एम पर्सनली अवेलेबल टू ऑल ऑफ यू। इट्स बीइंग अ नाइस टाइम विद यू। बाय बाय, शबा खैर, फिर मिलते हैं इसी के साथ, एंड थैंक यू वेरी मच।